आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वी लुकअप में लिस्टिक मेथड, मतलब कि मल्टीपल वैल्यू को कैसे लुकअप करेंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप मेरा डेटा देख सकते हैं, मेरे डेटा में पूजा जो है कई बार रिपीटेड है। यहाँ भी पूजा है, अगर नीचे आए तो यहाँ भी पूजा है, और इसके नीचे आए तो यहाँ भी पूजा है। पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे पूजा की सेल्स की वैल्यू चाहिए जैन की। तो नॉर्मली जो वी लुकअप, एच लुकअप अगर कुछ लगाते हैं, जैसे वी लुकअप हमने लगाया, इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने इसमें लुकअप किया कॉमा 2,0, तो आपको देखिए 55 आया 55। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक्स लुकअप भी लगाऊं, एक्स लुकअप इसको सेलेक्ट करता हूँ, लुकअप वैल्यू हमने डेटा सेलेक्ट किया, फिर हमने रिजल्ट को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे इफ नॉट फाउंड मैच फॉर एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे सर्च मोड। अब सर्च मोड में यहाँ पे दिख रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट बाइनरी सर्च सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या है इसको एक बार जान लेते हैं। पहले सर्च फर्स्ट टू लास्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 55 है, फर्स्ट से लेके नीचे बराबर पहले को उसने सर्च किया है फर्स्ट टू लास्ट। अगर इसमें सर्च लास्ट टू फर्स्ट करता हूँ तो भी आपका सॉरी माइनस वन था ना, लास्ट टू फर्स्ट में करता हूँ तो क्या होगा, तो 37 आता है, मतलब कि ए आता है लास्ट वाला, राइट। अगर हम यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आता है हमारा एक्स लुकअप में बाइनरी सर्च सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर 2, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो 73 है, मतलब कि इसने 55, 73 और यहाँ पे 67। इसमें जो हाईएस्ट था 73, इसलिए इसको 73 को चूज कर लिया। अगर मैं 73 के जगह पे यहाँ पे 25 कर देता हूँ तो आप देखिए नहीं 25 है, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग किया इसने पूजा। अगर मान लीजिए मैं पूजा 3 बार है, यहाँ पे मैं 2 बार कर देता हूँ पूजा, तो भी 25 आ रहा है, नीचे चल रहा है। इसमें हम बाइनरी सर्च कर रहा है, इसमें बाइनरी का क्वालिटी चल रहा है। अब इसमें यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। फिर प्रॉब्लम है कि मुझे सारे रिजल्ट चाहिए जो कि एक्स लुकअप नहीं बताता है, न वी लुकअप बताता है, समझे सर? हेलो, वो सर जो इससे पहला ऑप्शन था बाइनरी शॉर्टेड वाला जो भी हुआ नहीं, वो क्या था दूसरा ऑप्शन जो प्लस टू वाला शॉर्टेड है, वो बाइनरी के हिसाब से सॉर्ट करता है सर वो। ये तीसरा वाला ऑप्शन, हाँ ये बाइनरी शॉर्टेड होता है, वो अपने हिसाब से बीच को उठा लेता है अपनी मर्जी से, मतलब 25 कैसे आया सर रिजल्ट? वो सर बाइनरी है, इसके बाइनरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता है, इसके पोजीशन के हिसाब से उसका सीधा उसका कैलकुलेशन है अंदर में, समझे, खुद कैलकुलेट करता है। जो समझने के लिए फिर पूरा बाइनरी सिस्टम समझना पड़ता है, इसका यूज नहीं होता है, यूज हम जो है नीचे लास्ट वैल्यू लेने के लिए यूज ही करते हैं सर। अगर बाइनरी सर्च लाइज टू अरेंज द सॉर्टेड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ नॉट सॉर्टेड इन वैलिड स्टेट रिजल्ट बी रिटर्न्ड। बाइनरी फॉर्मेट में इसको सॉर्ट कर लेता है सर, उसके हिसाब से देता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सारे रिकॉर्ड यहाँ चाहिए, बात समझे। मान लीजिए कि मैं फर्स्ट टू लास्ट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्च मोड में, 1 को सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट टू लास्ट में,
55 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एक बार और पूजा और फिर इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ, यहाँ भी 55 हो रहा है, यहाँ पे मुझे 55 नहीं, यहाँ पे मुझे 81 आना चाहिए था, या फिर मुझे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे चाहिए इस तरह से कि 55 कॉमा 85 81 सॉरी 81 81 कॉमा 25 इस तरह से सारे रिकॉर्डेड कॉमा से सेपरेटेड चाहिए। तो ये फॉर्मूला, ये जो फीचर्स है आप ऑफिस 365 पे में जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर कर सकते हैं। किसकी मदद से? टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूले की मदद से। जी हाँ, टेक्स्ट ज्वाइन, इसमें हम एरे का कंसेप्ट अपनाते हैं कि इफ हमने ले किया कि अगर ए इक्वल टू पूजा है तो ए पकड़, ठीक है सर। तो इसमें लेकिन सेपरेटेड क्या चाहिए? कॉमा चाहिए, ब्लैंक को स्किप करना है तो हाँ ट्रू। हाँ ये ब्लैंक नहीं, यहाँ पे ट्रू, यहाँ एक काम और करना पड़ेगा बी टू, यहाँ कॉमा ब्लैंक करना होता है, ब्लैंक देखिए दोबारा लगा बताता हूँ क्या किया हमने। यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला लिया, फिर बताया कि हमें कॉमा से सेपरेट करना है और हमें इग्नोर करना है ब्लैंक को, फिर जहाँ टेक्स्ट देना है टेक्स्ट में हमने इफ कंडीशन लगा के फिल्टर कर दिया कि पूरे रेंज में अगर एक जहाँ जहाँ इक्वल टू पूजा है उसी की सामने वाली वैल्यू को दे और जहाँ पे पूजा ना हो वहाँ पे ब्लैंक कर दे। आप देखेंगे रिजल्ट आ गया। लेकिन आप इसकी प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि आखिर काम कैसे कर रहा है, तो आपको यहां एवलेट फॉर्मूला पे जाना होगा। एवलेट फॉर्मूला जहां जहां पूजा मैच कर रहा है वहां पे यहां पे देखिए इसने ट्रू कर दिया, और जहां जहां ट्रू है जहां जहां ट्रू है वहां वहां ब्लैंक इफ जो है उसको ब्लैंक कर देगा। आपके सामने दिख गया, और टेक्स्ट ज्वाइन ब्लैंक को स्किप करता है तो रिजल्ट आ गया। क्लियर सर? कोई डाउट इसमें? उषा जी यानी सुधीर जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। लेकिन अब बात करते हैं, मुझे लिस्ट की तरह चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे नेम और जैन फैस का हम यहाँ पर रख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे अगर मैं पूजा देता हूँ तो पूजा का रिकॉर्ड आना चाहिए नेम में। यहाँ पे पूजा दे दिया तो पूजा का पूरा आना चाहिए, जैसे कि जनरली हम फिल्टर नहीं लगाते हैं उस तरह से, यहाँ जैसे हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं कि हमने फिल्टर लगाया और यहाँ पे हमने पूजा को सेलेक्ट करके, तो जो पूजा वाली रिकॉर्ड है वो दिख रही है यहां। हम देते हैं फॉर्मूला फिल्टर, देखिए लेटेस्ट फॉर्मूला है फिल्टर, ठीक है, लेटेस्ट एक्सेल का है, सॉरी। हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया और कॉमा इंक्लूड में कि आखिर फिल्टर किस कॉलम में चाहिए, तो हमने बोला कि मुझे इस फिल्टर इस कॉलम में चाहिए अगर एक कॉलन इक्वल टू पूजा है तो, और हमने एंटर जितनी पूजा के रिजल्ट यहां पर आ गए। पूजा की जगह पे मैं यहाँ पे मोहन करता हूँ तो मोहन का रिकॉर्ड आ जा रहा है, रवि करता हूँ तो रवि का रिकॉर्ड आ जा रहा है, तो जितना बार होगा वो तो उतना बार यहाँ पे आ जाएगा। फिल्टर फॉर्मूला, अगर फिल्टर फॉर्मूला है तो हम एक बार शॉर्ट फॉर्मूला भी सीख लें। शॉर्ट फॉर्मूला का भी यूज होता है डेटा को शॉर्ट करने के लिए, यहाँ पे शॉर्ट को सिलेक्ट किया, शॉर्ट किसके अकॉर्डिंग करना है तो हमने यहां पे बोला शॉर्ट इंडेक्स,
शॉर्ट, हमने शॉर्ट को लिया, इसको सेलेक्ट किया, शॉर्ट इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर की क्या है, तो यहाँ पे वन देना, नंबर देना होता है, नंबर वन जिस फील्ड का है, तो पहले ही फील्ड है, और यहाँ पे शॉर्टिंग असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, तो हमने असेंडिंग करना है तो असेंडिंग ले लिया। देखिए असेंडिंग में हमारा शॉर्ट हो गया। चाहे नंबर टेक्स्ट हो उसको शॉर्ट आप शॉर्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला एक्सेल में ही यूज होता है VBA में। समझ गए? अब बात करते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ करना है क्योंकि हर एप्लीकेशन पे चले, क्योंकि जो ए एप्लीकेशन मैंने आपको बताया हूं, ए वाली ए एप्लीकेशन सिर्फ आपका इस पे, ये जो एग्जाम है एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सिर्फ चलेगा आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन पे, लेकिन मेरे पास पुराना 2007 का फाइल है, तो वहां पे हम कैसे करेंगे इसका? तो उस केस में हमें, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखता हूं कि लिख दिया, और यहां पे हम सीरियल नंबर दे देते, ध्यान से देखिए क्योंकि फिर इसमें आपको कुछ करना है। फिर यहां पे नेम दे देते, नेम हमने दिया पूजा। तो अब यहां पे पूजा बहुत सारा बार, तो मुझे इसका यूनिक बनाना पड़ेगा। कैसे? हम इसको इंसर्ट करेंगे और हम काउंट इफ का फॉर्मूला देंगे। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी एक लोकेशन में, एक रेंज में किसी एक सेल वैल्यू को काउंट करता है कितना बार रिपीटेड है। तो 16 आ गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो जहां जहां पूजा है सब जगह पर 16 ही दिखाएगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले पूजा को 1 दिखाए, दूसरे पूजा को 2 दिखाए, तीसरे को 3 दिखाए, ऐसे सिक्वेंस में। तो काउंट इफ की मदद से ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा तिगम करना। काउंट इफ हमने B2 से लिया, B2, B2 ध्यान से देखिएगा, B2 से B2, B2। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पहले वाला B2 है जस्ट उसी को फ्रीज करेंगे, बाकी B2 को फ्रीज नहीं करेंगे, राइट? पहले B2 को हमने फ्रीज किया, बाकी V2 को हमने फ्रीज नहीं किया। ये तो डुप्लीकेट डिलीट करने उसके लिए यूजफुल ही है, एक वाले को हटा के बाकी सब डिलीट कर दो। जी हाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कॉन्केट करके, अभी भी यूनिक तो बना नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहां पे डैश इसको लिया और N% हमने लगाया नेम को, तो हमने उसके सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर और उसके नेम को आपस में कंबाइन कर दिया। दिख रहा है कंबाइन कर दिया सो। अब मैं यहां पे एक काम और करूंगा, यहां पे मैं काउंट निकालता हूं काउंट इफ की मदद से। काउंट इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको लिया कि 16 आया, हमने 1 मैनुअल लिखा और यहां पे लिखा कि इफ अगर इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन 16 होता है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ऊपर वाले में +1 कर दे। और हमें पता है कि जो नीचे इस पे आएगा एरर, तो इफ एरर लगा दे, क्योंकि ये चीजें हम इफ के फॉर्मूले में आपको डिस्कस कर चुके हैं, आई होप कि आपको याद होगा। और इसको नीचे तक ड्रैग कर दे, ओके? अब यहां पे क्या यूनिक क्या है, 1- पूजा, तो मैं यहां भी 1- पूजा, मतलब कि 1 यहां पे डैश
और पूजा लुकअप। तो इसको लुकअप लेकिन किसमें करना है, वी लुकअप में। वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और ने हमें डेटा को सिलेक्ट कर लिया 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, कॉमा 2, 0 नहीं जैन का चाहिए ना, सेकंड 3 कर देता हूँ यहाँ पे 3, या 3 कर दें या फिर आप इसमें लगा दें मैच का फॉर्मूला। मैच हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने रेंज को सिलेक्ट किया कॉमा 0। आगे ड्रैग इसमें एरर आने के चांसेस हैं तो हमने इफ एरर का फॉर्मूला लगा के हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको फ्रीज करता हूं, L6 का L फ्रीज होगा। M2 को फ्रीज कर देना है, इसको फ्रीज कर देना है, इसका भी 5 फ्रीज होगा और पूरा को फ्रीज कर देना इसको। और इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है सर आ गया। और नाम चेंज करता हूं, मैं करता हूं उदय, मैं करता हूं इंदर, मैं करता हूं कभी। ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को? उषा जी, सुधीर जी, हाँ जी सर। अच्छा तो जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था एचआर वाला, उसको मैंने करके दिखाया था, आई थिंक आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, बनाया होगा क्योंकि मुझे तो आपने भेजा नहीं, किया था प्रैक्टिस उसकी? सर मैं था नहीं दिल्ली में, मैं तो आया परसों, लेकिन मैं करके देता हूँ आपको आज। उषा जी आपने किया? सर मैंने नहीं किया, करूंगी। करना चाहिए था ना, इतना अच्छा चीज, तो इतना अच्छा चीज बताया था मैंने आपको। तो चलिए इस आपको जो है, आपको सबसे पहले इसी तरह का एक फाइल बना लीजिएगा छोटा सा, और एक बार अपने आप क्योंकि अपना डेटा बनाएंगे तो सही रहेगा, ये तक लगा लीजिएगा। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है टोटल, मैं टोटल यहाँ इस तरह से ऐड करना चाहता हूँ, ये सब का सम करना चाहता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि एक फॉर्मूले के साथ, क्योंकि किसी का 16 है तो किसी का 17 है तो किसी के इसका भी 16 है, तो मैं एक काम करता हूँ पूजा को बढ़ाता हूँ यहाँ पर, जाइए 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। तो जब पूजा का यहां सर्च करो तो टोटल यहां दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहां पे पूजा के जगह पे राजू करूं, राजू 15 है तो टोटल जो यहां था उठ के यहां आ जाना चाहिए। बस इस फॉर्मूले में आप ये ऐड करके मुझे दीजिए, समझ गए कि नहीं? मतलब आपको एंड में चाहिए, मतलब जब 15 तो 15 के एंड में, 17 तो 17 के एंड में, जैसे जब डेटा खत्म हो तो चाहिए। ठीक है सर, ये फाइल मेल कर दो, मैं नहीं नहीं फाइल खुद से बनानी है आपको। चलो ठीक है, हम खुद बना, ठीक है सर, ठीक है। कीजिए और भेजिए, ठीक है, और वो भी फाइल कीजिए सर, क्योंकि आप जो आगे आने वाले फॉर्मूले हैं इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले रहेंगे, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब सबके ऊपर से निकलेगा सर।